दोस्तों यार आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पैटर्न लॉक जो कॉम्बिनेशन ताला आता है उसका हम करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट इस बॉक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यार यह हमारा लॉक है। तो आप देख सकते हो यार इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाहर से भी देखने पे। तो आप देख सकते हो इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलो यार फटाफट इसको पहले बाहर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो यार यह हमारा लॉक है। यार इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा स्टील का बना हुआ है, पूरा मेटल का बना हुआ। आप देख सकते हो यह पूरा मेटल का बना हुआ है, ऐसा नहीं है ये प्लास्टिक है। आगे का भी और पीछे और नीचे का सारा आप देख सकते हो यार ये स्टील का बना है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो चलो यार अब इसको यूज करके देखते हैं यह यूज कैसे होता है। तो यार आप देख सकते हो यार कंपनी की तरफ से जो इसका लॉक पहले से ही जो यह कॉम्बिनेशन है पूरा 00 कॉम्बिनेशन से आता है। तो आप देख सकते हो आप अभी यहाँ पे 1 है तो इसको हम 0 कर देते हैं। रुको एक मिनट। तो अब 0 हो गया तो देखो यार ये ओपन हो गया। और इसको फिर लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको प्रेस करना पड़ेगा और फिर से इसको घुमा देना पड़ेगा। पूरा नंबर आप घुमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यार ये लॉक हो चुका है, ये ओपन नहीं हो रहा है। यार इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यार ये कमज़ोर लॉक है। आप इसका यूज कर सकते हो घर में भी। यार ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत आप देख सकते हो ये है। और फिर आप इसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। तो यार चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 पे हम करते हैं। एक मिनट, इसका जो ओरिजिनल लॉक 0 है तो इसको हम किए ये 0। तो आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा 90 डिग्री पे और फिर इसको प्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा प्रेस करने के बाद से जो आपको पैटर्न सेट करना है, मान लीजिए मुझे 11 सेट करना है तो मैं इसे 11 पे कर देता हूँ। तो ये 11 हो गया। तो फिर आपको ऐसे एक बार कर देना है। तो फिर आप देख सकते हो ये लॉक हो रहा है 11 पे। तो फिर इसको क्या कीजिए, आप ऐसे लॉक करके इसका पासवर्ड 11 है सारा, इसको 0 कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं ओपन नहीं हो रहा है, यह लॉक पूरी तरह से हो चुका है। तो यार आप जब चाहो यार इसका जो पासवर्ड है आप चेंज कर सकते हो। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको इसका पासवर्ड पहले से पता होना चाहिए। तो यार अगर हम बात करें यार इस ताले को बाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो यार आप इसे बाई कर सकते हो। भले ही ये छोटा है, साइज आप देख सकते हो हाथ में लेने पर कितना बड़ा साइज आप देख सकते हो। इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी है। तो यार आप इसे बाई कर सकते हो क्योंकि इसकी पूरी स्टील की बनी हुई है और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, उतनी कमज़ोर नहीं है। आप देख सकते हो यह पूरा स्टील का बना हुआ है। आप चाहते हो इसको बाई करना तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार हम ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे किसी दूसरे नए फ्रेश अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ।